झारखंड में आदिवासी समाज के लोगों को कई समस्याएं आ रही हैं। उनकी शिकायत न ही पीएमओ तक पहुंच पा रही है और न ही प्रशासन तक। इसी को लेकर रांची से हमारे ब्यूरो चीफ ब्रजेश राय ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में इस बार 12.77 लाख शिकायतों का निपटारा किया गया और पूरे कार्यकाल की बात की जाए तो लगभग 60 लाख से ज्यादा शिकायतों का निपटारा प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। कई शिकायतें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय तक नहीं पहुंच पाती, मंत्री के कार्यालय तक नहीं पहुंच पाती। हमारे साथ जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी, आपके मंत्रालय में, आपके विभाग में आज भी जो जनजातीय परिवार है कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसके लिए और खास तौर पे जो राष्ट्रीय नीति है उसके तरफ से आपकी पहल क्या है? देखिए, इस देश में पहली बार एक जिसे कहा जाए कि सतही तौर पर चीजों को समझ करके कार्य योजना बनाई जा रही है और बनी है और उसका परिणाम अब धीरे धीरे दिखने भी लगा है। तो सभी ऐसे विषयों को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ कार्य योजना को सफल करने में लगी है और उसी में इस तरह के कई विषय सामने आ रहे हैं जिसको समाधान के दृष्टि से काम करें। आज जिस परियोजना का शुभारंभ किया वो भी इसी में से एक है। लेकिन सर, ये जानना चाहेंगे कि खास तौर पे हमारे यहाँ भी आदिम जनजाति हैं झारखंड में, आप झारखंड से हैं, तो उनके लिए भी जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए पहल जो होना चाहिए, एकदम ग्राउंड जीरो तक जो सरकारी योजनाएं हैं वो पहुंच नहीं पा रही हैं। देखिए, ऐसा है कि योजनाएं कुछ पहुंचती है, कुछ नहीं पहुंच पाती है, ये बात सही है, क्योंकि यह विकासात्मक लोक कल्याणकारी देश अब विकासशील राष्ट्र, विकसित राष्ट्र के तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसी चीज़ों को स्वाभाविक रूप से ज़्यादा कैसे एड्रेस किया जाए, ये हम सब की कोशिशें होनी चाहिए, हम सब कोशिश कर रहे हैं। जनजातीय समाज को समझते हुए काम किया जाए तो देश को भी लाभ मिलेगा, ये कहना है अर्जुन मुंडा का। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिकायतें हैं और शिकायतें रहेंगी और ये बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को जरूर देखना और समझना होगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV रांची।